नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, क्या कभी किसी ने सोचा था कि पानी भी बोतल में बिकेगा और ये करोड़ों का व्यापार बन जाएगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि मैगी जैसी कंपनी अपने मैगी अपने नूडल्स के अंदर डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स देगी? क्या कभी किसी ने सोचा था कि सॉस और चटनी जैसी चीजें पाउच के अंदर मार्केट में अवेलेबल होगी? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिन्होंने भविष्य का निर्माण किया है, जो स्टार्टिंग में बिल्कुल भी प्रोडक्ट के तौर पे नकारे गए थे, लेकिन आज वो कंक्रीट की तरह बिजनेस बन चुके हैं। और आज इस वीडियो में एक-एक करके हम वही बात करेंगे। आज मैं आप लोगों को वो पांच प्रोडक्ट कैटेगरी और प्रोडक्ट बताऊंगा जो आने वाले 5 साल के अंदर एकदम कंक्रीट बिजनेस बन जाएंगे। तो अगर आपका एक लॉन्ग विजन है बिजनेस के लिए, अगर आप आने वाले 5 साल के अंदर खुद को आगे लेके जाना चाहते हैं बिजनेस में, और अगर आप एक प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं जिसके साथ में आप खुद के ब्रांड को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में अटैच कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक रहिएगा, मैं आप लोगों को प्रोडक्ट कैटेगरी बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, और बायर किस तरीके से आपको अप्रोच करना है उसका वे आउट बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर, यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आप मेरे हाथ में देख रहे हो, दैट इज बनाना। यह है डिहाइड्रेटेड बनाना, और मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि यह सिर्फ बनाना की बात नहीं है। आप इसे देख रहे हो, यह है बनाना पाउडर, और आज की सबसे पहली फू कैटेगरी के अंदर मैं लेता हूं फ्रूट्स पाउडर। ये वो प्रोडक्ट कैटेगरी है जो बहुत ही साइलेंटली बट रैपिडली बूस्ट हो रही है, जिसमें से बनाना पाउडर भी एक प्रोडक्ट है। और इसके साथ में ऐसे चीकू का पाउडर आप ले सकते हो, पोमेग्रेनेट यानी अनार का पाउडर आप ले सकते हो। ऐसे हर किसी फ्रूट का अगर आप पाउडर देखोगे और आप उसकी ऑनलाइन सर्चिंग करोगे, तो आप पाओगे कि लास्ट 5 ईयर के अंदर उसकी ग्रोथ ऐसे एकदम से अपसाइड के अंदर गई है। जबकि इसके लिए कोई बहुत बड़ा आपको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप नहीं चाहिए। इवन मार्केट में बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर अवेलेबल हैं जो ये प्रोडक्ट आपकी क्वालिटी के हिसाब से आपको अवेलेबल करवा के दे सकते हैं। और अगर आप मैन्युफैक्चरर से भी नहीं लेना चाहते, देन यू जस्ट नीड टू ड्राई दैट प्रोडक्ट और आप उसे पल्वराइज यानी पाउडर फॉर्म में बना के आप उसे बेच सकते हो। अब आपको पता है कि फ्रूट्स एटमोस्फियर, एनवायरमेंट, जलवायु के ऊपर निर्भर होते हैं, तो हर जगह पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो हर जगह पे फ्रेश प्रोडक्ट जाना भी पॉसिबल नहीं है, और गए हैं तो उन्हें प्रिजर्व करना भी पॉसिबल नहीं है। तो पाउडर, फ्रूट्स पाउडर अभी जूसेज के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, हेल्थ प्रोडक्ट के लिए, रेस्टोरेंट्स में दबा के शुरू है, और ये एक वो अल्टरनेटिव बन चुका है फ्रेश प्रोडक्ट का। और ये इंडस्ट्री एकदम से साइलेंटली यानी जिन्हें पता है वो आगे के लॉन्ग विजन के हिसाब से वो इसमें एंटर हुए हैं, और आने वाले समय में आप देखिएगा नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर ये इंडस्ट्री पूरा बूम करेगी। सेकंड, दैट इज द सिमिलर, दैट इज वेजिटेबल पाउडर। दोस्तों, वेजिटेबल पाउडर इस टाइम पे सबसे ज्यादा होटल्स के अंदर, फास्ट फूड के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। अभी आप सोचिए कि टमाटर को आप कितने दिन तक प्रिजर्व कर सकते हो। इसके पहले टमाटर की प्यूरी यूज होती थी, अब टमाटर की प्यूरी जब यूज हो रही है तो उसका भी एक सर्टेन टाइम होगा, लेकिन टमाटर पाउडर का कोई टाइम नहीं है, उसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो जब आपको प्यूरी बनानी है तो उस टाइम पे अगर वो टमाटर का पाउडर उस प्यूरी में यूज किया जा रहा है, तो आपको एक रियल टेस्ट आपके चेहरे आपके इस पे टेस्ट वर्ड पे आएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये पाउडर यूज हुआ है कि प्योर यूज हुआ है। तो यही चीज है कि वेजिटेबल पाउडर जो है वो इस टाइम पे, ये इंडस्ट्री बड़ी साइलेंटली बूस्ट हो रही है, बड़ी साइलेंटली इंटरनेशनल मार्केट तक जा रही है, एंड बड़ी साइलेंटली इसकी ग्रोथ डे बाय डे जो है वो बढ़ते जा रही है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो दैट इज डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स। अब इसमें फ्रूट्स भी आते हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी आते हैं। आप, मैं जब दुबई में था अभी रिसेंटली, तब मैंने देखा वहां पे कि कीवी,
चीकू, एप्पल, यानी बहुत सारे ऐसे और प्रोडक्ट्स थे, आलू बुखारा जिसे हम कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो डिहाइड्रेटेड लेवल के ऊपर तैयार थे। अब उन प्रोडक्ट को फ्रेश के अंदर तो रख नहीं सकते। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, जब पाउडर बन रहा है तो उसका मार्जिन डबल हो रहा है, जब वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है तो उसका मार्जिन डबल हो रहा है, प्लस लोगों को एक खुड़क है कि हमें हाइजीन चाहिए, हमें फ्रेश चाहिए, हम एकदम से हाइजीन। और जैसे जैसे ये पूरा बायर मार्केट चेंज हो रहा है, वैसे वैसे प्रोडक्ट का सेगमेंट भी चेंज हो रहा है। अब आपने देखा होगा कि लोग बीच में ऑर्गेनिक के ऊपर आ रहे थे, बट राइट नाउ ऑर्गेनिक का मार्केट जो है वो स्टेबल हो चुका है। अब लोग ऑर्गेनिक की तरफ ज्यादा नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक इससे बहुत ज्यादा महंगा होता है, जो एक आम आदमी की बजट से ज्यादा है। लेकिन जब हम डिहाइड्रेटेड की बात करते हैं तो वो ऑर्गेनिक से सस्ता है, और जिसे लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस जो होते हैं वो हाइजीन के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पे डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जो है, जिसमें फ्रूट्स भी आ सकते हैं, वेजिटेबल्स भी आ सकती है, ये इंडस्ट्री भी अपने आप में अलग तरीके से चल रही है। अगली दो कैटेगरी और बताने से पहले मैं आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स को, अगर आपको स्टार्ट करना है, इंटरनेशनल बिजनेस में लेके जाना है, डोमेस्टिक में लेके जाना है, तो डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेंगे। आपको सबसे पहले एक एंटिटी बनानी है, वो आपकी प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, वो आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में खुद को एक्सपांड करना चाहते हैं, आगे कोलोबरेशन करना चाहते हैं, बड़ी कंपनियों के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास में भी एक कंपनी होनी चाहिए। नंबर टू, आपके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। नंबर थ्री, आपके पास में RCMC होनी चाहिए। नंबर फोर, GST होना चाहिए। नंबर फाइव, आपके पास में पोर्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का FSSI होना चाहिए, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके पास में एक ब्रांड होना चाहिए, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में जब भी आप मार्केट के अंदर जाओगे आपको ब्रांड की बड़ी जरूरत गिरेगी। अब इनको अप्रोच कैसा करना है, इन दो प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद में अंत में बात करेंगे। तो फोर्थ मेरी कैटेगरी है फ्रोजन प्रोडक्ट्स। लास्ट इस साल फरवरी के अंदर जब हम दुबई के गल्फ फूड में थे, इजिप्ट ने अपना पूरा जो बिजनेस था, इजिप्ट के जो व्यापारी थे, उन्होंने अपने पूरे बिजनेस का नियर अबाउट 40-60% फ्रोजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब इजिप्ट किसी टाइम पे UAE का अल्टरनेटिव इजिप्ट बन रहा था इंपोर्ट के अंदर इंडिया के लिए। आज इजिप्ट ने खुद का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर चेंज करते हुए खुद को वो कंप्लीट लेवल के ऊपर वो फ्रोजन प्रोडक्ट में लेके चला गया है। क्यों? क्योंकि उसे ये समझ में आ रहा है कि फ्रोजन प्रोडक्ट कभी भी अवेलेबल किया जा सकता है, फ्रेश प्रोडक्ट को आने में टाइम लगता है, फ्रेश प्रोडक्ट प्रिजर्व नहीं हो सकता, और फ्रेश प्रोडक्ट को आप अपने घर में ज्यादा दिन नहीं रख सकते। अब इंटरनेशनल लेवल पे जब ये चीजें पहुंचती है, ये प्रोडक्ट पहुंचते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनकी प्राइस हायर साइड में जाती है, क्योंकि इनका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होता है, लोकल का कॉस्ट होगा, वहां पे क्लियरेंस का कॉस्ट होता है, वहां पे सप्लाई का कॉस्ट होता है, रिटेल का कॉस्ट होता है। तो अब ये प्रोडक्ट तो हायर साइड में चला गया, उसके मुकाबले में फ्रोजोन प्रोडक्ट उनको सस्ता गिर रहा है। 1 किलो अगर वो कोई भी पीनट्स लेके आ गए, या फिर 1 किलो मटर लेके आ गए, जिसे पी कहा जाता, पीस कहा जाता है, वो लेके आ गए, या 1 किलो ऐसा कोई भी आइटम लेके आ गए जो घर पे वो फ्रोजन के तरीके में रख रहे हैं, और उसे वो जब मन चाहे यूज कर रहे हैं। आपने देखा होगा चीज बोल जैसी चीजें, बर्गर की पेटीज, ये बड़ा एक बड़ा मतलब आप बोल सकते हो कि अलग तरीके से सिस्टम चेंज हुआ है, पूरा का पूरा पूरा मार्केट का पूरा एक रोटेशन बैठा है प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, और पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी जहां पे फ्रेश पे डिपेंड कर रही थी, वो पूरी कैटेगरी आ गई फ्रोजोन पे। आज आपको मार्केट के अंदर अनगिनत फ्रोजोन प्रोडक्ट मिल जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिल जाएंगे, वो प्रोडक्ट बिक भी रहे हैं। एंड माई लास्ट कैटेगरी, दैट इज रेडी टू ईट। रेडी टू ईट बड़ी साइलेंटली बट धीरे 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 पड़ रही है। दोस्तों मैगी क्या है? रेडी टू ईट, 2 मिनट में तैयार। नूडल्स क्या है? रेडी टू ईट। अब ऐसे वेजिटेबल्स आजकल सब कुछ बनने को आ गई है। पराठे अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखते हो, इंडिया के अंदर तो अभी
इतना क्रेज नहीं हुआ है, बट अगर आप इंटरनेशनल देखते हो, जैसे मैं दुबई में रहता हूँ कंटिन्यू, तो घर पे इतना खाना नहीं बनता है, तो हम लोग रेडी टू ईट को ही प्रिफेयर करते हैं। हम लोग बाहर से पराठे भी लाते हैं, हम लोग रोटी भी लाते हैं, हम लोग ये नान वान जो भी है वो बाहर से भी लेके आते हैं, रेडी टू ईट वाला लेके आते हैं। और जो सब्जी होती है वो भी रेडी टू ईट वाली, पालक पनीर ये वो जो भी मिलती है, शाही पनीर वगैरह, वो सब हम रेडी टू ईट लेके आते हैं। 5 मिनट लगती है, गरम तेल करो उसमें डालो एंड गरम करो। अब वो कितनी हाइजीन होगी क्या होगी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसका टेस्ट जो एक नॉर्मल टेस्ट होता है, क्योंकि मुझे अगर वहाँ का टेस्ट नहीं जम रहा है और मुझे अगर इंडिया का ही टेस्ट चाहिए, तो मैं रेडी टू ईट के ऊपर प्रिफेयर कर रहा हूँ। अब दैट नॉट ओनली फॉर टेस्ट, प्राइस के कंपेयर के अंदर भी वो मुझे वहाँ पे सस्ता गिर रहा है, जबकि वहाँ पे अगर मैं बना हुआ ले रहा हूँ वो थोड़ा मुझे कॉस्टली गिर रहा है और इसका टेस्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो रेडी टू ईट एक अलग तरीके की साइलेंट इंडस्ट्री है, जो बड़े साइलेंट तरीके से जाते जा रही है आगे। और आप याद रखिएगा, आने वाले 5 साल के अंदर ये जो आज मैंने पांचों कैटेगरीज आपको बताई है, यही बूम करेगी, यही सरताज होगी एक्सपोर्ट के लिए, और डोमेस्टिक के अंदर भी यही सरताज रहेगी। अब इसके अलावा एक चीज है कि साहब, प्रोडक्ट कैटेगरी तो पता चल गए, डॉक्यूमेंट पता चल गए, अब इनको अप्रोच कैसे करना है। देखो, ये एक लॉन्ग विजन वाला पार्ट है, इसमें तुरंत करोड़पति बनने वाला सीन अभी नहीं है, इसको आपको धीरे 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 सेटल्ड करना पड़ेगा, और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ के साथ में आपको आगे जाना पड़ेगा। और आज से ही आपको अपने बिजनेस को स्टेबिलिटी के साथ में आपको रन करना पड़ेगा, इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में कहा था कि आपको अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको अपनी एक ब्रांडेड वेब प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। ब्रांडेड वेब प्रोफाइल का मतलब होता है कि आने वाले, अगर आप आज शुरू कर रहे हो, तो आने वाले 6 महीने के अंदर आपके सिर्फ प्रोडक्ट को एक मार्केट अवेयरनेस मिलेगा कि हाँ यार, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, क्योंकि इसमें तुरंत आपका परचेज होगा ये जरूरी नहीं है, खास करके इंडिया में। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हुई, तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैं इंडिया में रह के भी, जो मैं रेडी टू ईट की बात कर रहा हूँ कि एक कंपनी है महाराष्ट्र की है, जिसके प्रोडक्ट मैंने दुबई के अंदर मुझे मिले थे, और मैं उसको अब रेगुलर यूज करता हूँ, तो मैं इंडिया में रहता हूँ तो भी एक महीने में एक दो बार उसको यूज कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड क्वालिटी। तो ये चीज़ आप लोगों को भी धीरे धीरे बिल्ड करनी पड़ेगी। अब आप कुछ और काम कर रहे हैं उसके साथ में साइमल्टेनियसली इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप धीरे धीरे अपने रिसर्च एंड बिजनेस स्टेबिलिटी के हिसाब से इसको शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई और बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में आप इस पूरी प्रोफाइल को सेटअप कर सकते हो, इस पूरे सेटअप को आप धीरे धीरे आप मार्केट के हिसाब से जा सकते हो। लेकिन ये धीरे धीरे से ज़्यादा आने वाले 2 से 3 साल में ही आपको ऐसा बूम होगा, क्योंकि आज के दिन पे अगर आप देखो, फ्रूट पाउडर सप्लायर आप सर्च करना आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, वेजिटेबल पाउडर सप्लायर आप सर्च करना आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, रेडी टू ईट फ्रोजन वाले आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अवेलेबल हैं, लेकिन वो अब ब्रांड प्रोफाइल पे अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, और यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये मार्केट होके भी उतना बड़ा ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि जिनको मालूम है वो साइलेंटली इसके अंदर काम कर रहे हैं, और जिनको नहीं पता है वो दूसरे प्रोडक्ट में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 प्रोडक्ट कैटेगरी हैं जो आने वाले 5 साल के अंदर बहुत ढंग से काम करेगी, और ये वो प्रोडक्ट है जिनको आप अपने घर से भी करके आराम से इनके अंदर एक अच्छा भला जो मार्जिन है वो आप इसमें कवर कर सकते हो। इन किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रोसेस के लिए, वेब प्रोफाइल के लिए, अगर आपको कोई भी हेल्प लगती है, नंबर्स अवेलेबल है, आप कॉल करके एग्जीक्यूटिव से पूरी जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूं कि इन प्रोडक्ट्स के साथ में एक लॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप और लॉन्ग बिजनेस विजन के साथ में आप लोग आगे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।